नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत तेज। भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में राजनीति और तेज हो गई है। हालांकि गुरुवार को हरियाणा के भिवानी में ग्रेवाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सैनिक की आत्महत्या से दुखी हूं, वे इतने हताश हो गए कि जिंदगी खत्म कर ली। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भी परिवार को नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने जानकारी जुटाने के बाद एक बयान में कहा है कि सितंबर 2004 में रिटायर हुए रामकिशन को 6th वेतन आयोग और 1 रैंक 1 पेंशन के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन जारी की जा रही थी, लेकिन उनके खाते में कम पैसा जमा हो रहा था। अधिकारियों के अनुसार भिवानी जिले में स्थित जिस बैंक में उनका खाता था, उसके द्वारा गणना में की गई गलती के चलते ऐसा हुआ। अधिकारी ने बताया कि रामकिशन को 2-3 हजार रुपए ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए थी। अब इस मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत देते हुए कहा है कि ग्रेवाल की मानसिक स्थिति कैसी थी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर विवाद को हवा देने की कोशिश की कि ग्रेवाल कांग्रेस कार्यकर्ता थे और पार्टी के टिकट पर सरपंच का चुनाव लड़े थे। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मोदी ने झूठ बोला कि OROP लागू हो गया है। मोदी को सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खुल गई। जबकि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू हो चुकी है, इस संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि पूर्व सैनिकों को एक किस्त मिल भी चुकी है। हुसैन का सवाल है कि देश में इतने शहीद हो रहे हैं, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? वे खुद कहते थे कि सेना पर राजनीति नहीं करना चाहिए। दरअसल राहुल संवेदना व्यक्त करने नहीं, राजनीति करने पहुंचे हैं। देर रात जब पूर्व सैनिक का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो रोहतक के सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान उनके घर पहुंचे और पूर्व सैनिक के परिवार को सांत्वना दी। केजरीवाल ने रिहाई के बाद कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति रखने के बजाय पुलिस से पिटाई करवा रही है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिए कांग्रेस से गठबंधन के संकेत। सांसद सोनाराम चौधरी ने कहा, जैसलमेर में सरस्वती नदी पर काम शीघ्र होगा आरंभ। धुंध के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ी 20 गाड़ियां, कई घायल। बगदादी ने ऑडियो संदेश में कहा, नदियों में पानी की जगह काफिरों का खून बहाओ। केरल में पुलिस के सवालों से शर्मिंदा होकर गैंगरेप पीड़ित महिला ने केस वापस लिया। ये थी आज की प्रमुख खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।